बीच बाजार में हरमू के क्षेत्र में आकर मारना, ये दर्शाता है कि प्रशासन पूरी तरह फेल है और यहाँ पर शासन प्रशासन का भय खत्म है। ये लोग इतना यहाँ दुकान है और कोई बात पे तुरंत हथियार उठा के चल देते हैं। हम लोग के पास तो कुछ है नहीं, हम लोग दुकानदार हैं, हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, तो हम लोग मार खाते रहेंगे। जब तक ये प्रशासन इस पर नहीं निर्णय लेगी तब तक हम लोग दुकान में। मेरा बाइक डैमेज हो गया तो मैंने बोला मेरे को हरजाना दो, काम कर दो, बोला ठीक है मंगवा रहे भाई लोग से, दे देंगे आपका पैसा जो भी हरजाना है। उसके बाद 5-7 लड़के आए, 10 लड़के आए और मेरे दुकान मेरे साथ मारपीट करने लगे। कि जो लोग इसमें 15 से 20 लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं, अविलंब गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। बीती रात हरमू बाजार में दो पक्षों यानी कि एक दुकानदार पक्ष और एक असामाजिक तत्व, दोनों पक्षों के बीच में जमकर झड़प हुई है। क्या मैटर है, किस बात को लेकर झड़प हुई है, यहाँ पर अभी जिला प्रशासन के लोग तैनात हैं, अंदर बाजार समिति की बैठक चल रही है, बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है, अंदर हटिया विधायक नवीन जायसवाल भी हैं, इनसे हम बात करेंगे, सभी से जो पीड़ित हैं जिनको चोट लगी है उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर मैटर क्या है और किस बात को लेकर आज बैठक हो रही है, झड़प क्यों हुई। इन सभी सवालों के साथ हम अंदर चलते हैं और बैठक में जाकर हम पीड़ित से भी बात करते हैं और दोनों पक्षों को सुनते हैं कि आखिर क्या हुआ था कल। बलराम जी, कल रात क्या हुआ? करीब 8 बजे के आसपास सभी लोग दुकान में, ग्राहक थी, सब लोग अपना दुकान में ग्राहक को संभाल रहे थे। उसी तरह में रोड में भी थोड़ा सा भीड़ थी। एक लड़का स्कूटी, लाल रंग का स्कूटी से आया और वो नई जगह रहते हुए भी घुसा के निकालने लगा। उसमें कई जगह किसी किसी को ठेक गया, कोई भी जो भी राहगीर था वो तो नहीं बोला, लेकिन आगे जाके वो आशीष स्टूडियो है वहाँ खड़ा गाड़ी में धक्का मार दिया, वो गाड़ी गिर गई, गिर के पचक गई, वो भी गिर गया, उसको भी लोग ने उठाया, लेकिन वो वहाँ का आदमी उसका चाबी लेके बोला कि इसको डैमेज बनाओ आ नहीं तो पैसा दो। तुम कहे इतना स्पीड में भाग रहा जब इतना भीड़ है बाजार में, तो बोला कि पैसा हम दे रहे हैं, घर से मंगा रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं। आ घर में फ़ोन किया जो इस चौक पर मछली और मुर्गा और ये लोग खस्सी काटता है, इन लोग को खबर किया कि हमको यहाँ छेक लिया। लोग क्या बोला भगवान जाने, ये लोग 10-15 को वहाँ पहुँच गया और मारपीट करने लगा। फिर हम लोग हिंदू मंडल साहब उसको शांत करा के भेजे, फिर वो लोग आ गया, फिर हम लोग शांत करा के भेजे, यहाँ तक कि उसका चाबी भी दिवा दिए, बोले जाओ पैसा नहीं तो जाओ, लेकिन आइंदा से बाजार में आज तो चलाओ, अड़का के भेज दिया। फिर वो लोग चला गया। उसके बाद एक मुर्गा काटती है, एक मछली बेचती है, वो और मोटे सा है, उस सबको लेके आई 15-20 लोग को, और वही ऑर्डर दिया। ये लोग उस समय सब डंटा रड बेल्ट जो मुर्गा उर्गा काटते का चापाती क्या होता है वो सब हथियार के साथ वो लोग था, उसमें वो लोग मारने लगा, काउंटर से आदमी को खींचने लगा। हम लोग बीच बचाव गए, हमको भी मार दिया, हम भी गिर गए। गिरने के बाद खून देखा सब, तो वो लोग भागा, भाग के आया थाना में कि कहाँ गया, थाना में पहुँचा वो लेडीज, और हम लोग जब थाना में गए वहाँ भी लोग झगड़ा कर दिया, हमारे लड़का के साथ हाथ पैर कर दिया। तब फिर हम लोग अपने FIR लिखे, हम लोग सदर में गए इंजरी रिपोर्ट करके, आज सुबह सब दुकानदार बंद करके मेरे पास पहुंचा कि हम लोग कब तक मार खाते रहेंगे इन लोग से, ये लोग बराबर ऐसे करता है, ये लोग एक साथ, ये लोग इतना यहाँ दुकान है और कोई बात पे लोग तुरंत हथियार उठा के चल देते हैं। हम लोग के पास तो कुछ है नहीं, हम लोग दुकानदार हैं, हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, तो हम लोग मार खाते रहेंगे। जब तक ये प्रशासन इस पर नहीं निर्णय लेगी तब तक हम लोग दुकान नहीं खोलेंगे। आशीष स्टूडियो किसका है, स्कूटी किसकी? इसका आशीष स्टूडियो, एक लड़का के साथ हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, फिर आप लोग पुलिस के पास गए, कोई FIR? हाँ FIR हुआ, हाँ कल रात हुई ना। हाँ नामजद लोग हैं, किसी का नाम पता है? कुछ लोग नामजद है, कुछ लोग ऐसे हैं, वो पुलिस अपना चेक करे, CCTV कैमरा सब में लगा हुआ है, थाना में से लेकर रोड में हम लोग का दुकान में, वो सुबह से चेक कर रही है, वो अपना धर पकड़ करे। बस मैटर स्कूटी को लेकर हुआ कि धक्का मारा, चाबी एक पक्ष ने रख लिया था? हाँ वो पैसा वो मांगा कि हमारा जो डैमेज कर दिया उसका पैसा दो, तो
तो फिर हम लोग सलट दिए, उसका चाबी दे दिए, दोबारा तिबारा आके लोग कर दिए। अभी बैठक में कुछ निर्णय निकला है? अभी वही बैठक हो रही है सब बाजार समिति। जी बाजार समिति, अब पूरा बाजार बंद है, एक भी दुकान नहीं खुला हुआ है। वो हिंदू को हो या मोहम्मदन को, सिख या ईसाई, यहाँ कोई जाति धर्म की बात नहीं है, दुकानदार और असामाजिक तत्व की बात है। इसमें कोई दुकानदार तो सब है, इन लोग सबका दुकान है। हर के बगल में एक मोहम्मदन है, तो एक ईसाई है, तो एक क्रिश्चन, सब है। ये दुकानदार प्लस उन लोग के साथ हुआ है। आशीष स्टूडियो का जिक्र हो रहा है, जिनका आशीष स्टूडियो है वो यहाँ बैठे हैं। आशीष जी, आपके स्टूडियो के पास ही घटना हुई है, क्या हुआ था? मैं अपने दुकान के अंदर काम कर रहा था, एक लाल रंग की स्कूटी से आई, दो तीन बाइक को मारते हुए मेरे बाइक में जाकर टकरा, मेरा बाइक डैमेज हो गया। तो मैंने बोला मेरे को हर जाना दो, काम करते बोला ठीक है, मंगवा रहे भाई लोग से, दे देंगे आपका पैसा जो भी हर जाना। उसके बाद 5-7 लड़के आए, 10 लड़के आए और मेरे दुकान मेरे साथ मारपीट करने लगे। पहले आपसे? हाँ, मेरे से मारपीट करने लगे। तो मैं अकेला था, तो मेरे बगल वाले दुकानदार लोग सब बात बिचाव किए। आपके साथ मारपीट शुरू हुआ, अगल बगल वाले लोग बचाए, और उसके बाद मुर्सिल चल लोग आए, बोले ठीक है बेटा, जो चाबी दे दो गाड़ी का, और जो हरजाना है वो तुमको सुबह मिल जाएगा। हमने ठीक है, जब चाचा लोग कह रहे हैं तो दे ही देंगे। उसके बाद मोटी सी लेडीज आई, 20-25 टोड़ाका लेकर के, मैं दुकान के अंदर काम कर रहा था, मेरे दुकान से खींच करके काउंटर गिरा कर गिर गया, जिससे मेरा काउंटर क्षतिग्रस्त हो गया। मेरे को चोट लग मारा, बहुत मारा इस तरह से, उसे बिलराम चा बीच बचाव करने है, उनका भी सर फाड़ दिया, और दो चीज लड़के थे उन लोग को भी मारा गया, दुकानदार लोग को। अभी क्या मांगे, इस तरह से पहले भी होता है? इस तरह वो लोग बराबर किसी न किसी को ठोक देता है, हमेशा गाड़ी रफ चलाता है ये मछली दुकान वाला लड़का लोग, बराबर ये लोगों का काम ही यही है। हम लोग बहुत परेशान है सबसे, मछली दुकानदार वाले लड़के जो अक्सर ऐसा करते हैं, हमेशा करते हैं, ऐसा नहीं हमेशा करते ये लोग। अभी क्या मांग? अभी हमारी मांग, हमारी सुरक्षा की जाए, और जो जो दोषी उसको कार्रवाई किया जाए। पुलिस कब पहुंची थी रात में? रात में एसपी डीएसपी लोग भी आए थे? वो लोग स्पॉट्स पर नहीं, वो थाना में आए, फिर हम लोग थाना गए, तब थाना में भी मारपीट करने लग गया वो लोग, थाना का सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड भी है। तरह से जो आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, क्या कहिएगा? आज कल जो रात में घटना घटी, और हरमू क्षेत्र हमेशा से शांत इलाका रहा है, यहाँ पर कभी भी हिंदू मुस्लिम की कोई विवाद नहीं हुआ है, लेकिन एक पक्ष के लोग ने जिस तरह से 15-20 लोग एकजुट होके और यहाँ के व्यवसायी पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किए, और उनका हेड इंजुरी है आप देख रहे हैं, और हम लोग सभी जानते हैं कि सिर पर कभी भी वार करने से कोई भी इंसान का कभी भी कुछ भी घटना दुर्घटना हो सकती है, और 15-20 लोग का मनोबल बीच बाजार में हरमू के क्षेत्र में आकर मारना, ये दर्शाता है कि प्रशासन पूरी तरह फेल है, और यहाँ पर शासन प्रशासन का भय खत्म हो गया है। और इस हम लोगों का मांग है पूरे व्यवसायी समाज का, कि जो लोग इसमें 15-20 लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं, अविलंब गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, और यहाँ अमन चैन बरकरार रखे। तो वैसे जो दुकानदार हैं, जो अवैध रूप से यहाँ पर इस माहौल को खराब कर रहे हैं, उनका दुकान को प्रशासन उखाड़ के यहाँ से फेंकने का काम करे। अभी बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, या अभी तक कुछ निर्णय हुआ है कि जो दोषी वार हैं उनको सरकार और प्रशासन अविलंब गिरफ्तार कर जेल भेजे, 307 का मुकदमा दायर हो, और सीसीटीवी कैमरा लगाने की प्रक्रिया प्रशासन चालू करे, और जहाँ तक यहाँ पर असामाजिक तत्व जो अतिक्रमण कर करके यहाँ पर मुर्गा का खसी का दुकान लगा के मछली बेच करके यहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं, वैसे दुकान को अविलंब बंद किया जाए, और वैसे लोगों का दुकानदारी यहाँ से हटाया जाए। जिन लोगों को चोट लगी है उनके लिए? देखिए, जिनको चोट लगी है वो बहुत ही सामाजिक आदमी हैं, वो इस और सम्मानित भी हैं, और हमेशा सामाजिक कामों में बढ़ चढ़, कभी उनकी आवाज़ से ऊंची आवाज़ भी नहीं हम लोग सुने हैं, और वैसे हमारे अभिभावक पर जानलेवा हमला करना, ये दर्शाता है कि प्रशासन का भय और कानून का डर
आज खत्म हो गया है। यहाँ उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहाँ पर कानून का राज स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहाँ है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.